नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिला के महुआडांड झारखंड के ख्याति प्राप्त विद्यालयों में से एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 23 छात्रों ने अपने विद्यालय और अपने स्वजनों का नाम रोशन करते हुए IIT, NET और NTA द्वारा आयोजित QET परीक्षा में सफलता हासिल किया। विद्यालय के छात्र प्रिंस कुमार द्विवेदी ने मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता की परीक्षा के साथ साथ IIT की परीक्षा में भी सफलता हासिल की। हालांकि प्रिंस कुमार द्विवेदी ने मेडिकल में अपना कैरियर बनाते हुए देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य प्रसाद पासवान ने बताया कि विद्यालय के 5 छात्र सब्बी अहमद, प्रिंस कुमार द्विवेदी, प्रिंस उराम, तन्मय रंजन, जतिन कुमार ने मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा NET में सफलता हासिल की है। वहीं IIT में जाना विद्यार्थियों का सपना होता है, जिसमें प्रिंस कुमार द्विवेदी, कृष्णा उराम, सिद्धेश्वर बिरुली, धीरज उराम, आलोक उराम, प्रतीक खत्री, आदित्य टुडू ने IIT की प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पास की है। वहीं NTA द्वारा आयोजित QET की प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यालय के 11 छात्रों ने सफलता हासिल की, जिनमें नयन कुमार, कमल किशोर, अनस अंसारी, वली नवाब, सत्यम कुमार सिंह, आकाश उराम, विशाल सोनी, नितिन उराव, कवल किशोर, राकेश कुमार, सौरभ कुमार ने सफलता प्राप्त की। इसकी जानकारी देते हुए प्राचार्य प्रसाद पासवान ने बताया कि विद्यालय के और अन्य छात्र भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, जिनके नाम अभी उपलब्ध नहीं है। छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग विद्यालयों में दाखिला कराने के पूर्व विद्यालय आकर विद्यालय परित्याग पत्र प्राप्त करते हुए अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। विद्यालय भी अपने इन होनहार छात्रों के कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। विद्यालय के प्राचार्य प्रसाद पासवान ने अपने सभी सफल छात्रों को आशीर्वाद देते हुए यह संदेश दिया है कि कठोर परिश्रम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के कारण ही हमारे विद्यालय के छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने विद्यालय के छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उनके गुणों को भी निखारने का प्रयास करते रहे हैं और लगातार सफलता हासिल करते आए हैं। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में बच्चों को सर्वांगीण विकास के संबंध में अवगत कराया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे लगन से पढ़ते लिखते हैं, स्वयं अनुशासन बच्चे रहते हैं और उस आधार पर बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब द्वितीय वर्ष में बच्चे होते हैं तो उनका विचार, उनका लगन पहला नंबर शिक्षकों के द्वारा लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारे बच्चे 2023-24 में 5 बच्चे NEET के द्वारा परीक्षा में मेडिकल क्वालिफाई किए हैं, 6 बच्चे IIT में सफलता हासिल किए हैं और NTA के द्वारा आयोजित परीक्षा में 11 बच्चे CUET में सफल हुए हैं और अधिकतर बच्चे का परिणाम नहीं आया है, कुछ दिनों के बाद यह परिणाम आ जाएगा। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, करेंगे। ये मेरी ओर से बच्चों को शुभकामनाएँ, शुभाशीष, साधुवाद।